A very good morning to everyone. Today in this video we will discuss some important question answers of class 12 geography book 1 chapter number 7 tertiary and quaternary activities. So let's start. Question number 1, define tertiary activities. What are the types of tertiary activities? Answer: tertiary activities are related to the service sector. तो tertiary activities यानी तृतीय क्रियाकलाप. तो जो ये tertiary activities होती हैं ये किससे related होती हैं? ये service sector से यानी कि सेवा sector से related होती हैं. Manpower is an important component of service sector as most of the tertiary activities are performed by skilled labor, professionally trained experts and consultants. तो जो सर्विस सेक्टर है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? मैन पावर है, यानी कि मानव श्रम. क्योंकि जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये किन के द्वारा की जाती हैं? ये की जाती हैं स्किल्ड लेबर के द्वारा, प्रोफेशनली ट्रेन एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स, इनके द्वारा ये एक्टिविटी की जाती है. दिस सर्विसेज रिक्वायर थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज वेल. और इन सर्विसेज के लिए हमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए होती है. द टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़ आर ट्रेड एंड कमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज. तो जो इसके मेजर टाइप्स हैं वो इस प्रकार से हैं. इसमें है ट्रेड एंड कमर्स आता है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और सर्विसेज है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर क्वार्टनरी सर्विसेज, गिव एग्जांपल्स. आंसर: क्वार्टनरी एक्टिविटीज सेंटर अराउंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड मे बी सीन एज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस. तो जो क्वार्टनरी सर्विसेज होती हैं जिन्हें की चतुर्थ क्रियाकलाप भी कहा जाता है, दे आर हायर और एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्विसेज बिकॉज दे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस. दैट्स व्हाई दे आर हायर लेवल ऑफ सर्विसेज. द क्वार्टनरी सेक्टर अलॉन्ग विद द टर्शरी सेक्टर हैज़ रिप्लेस्ड all primary and secondary employment as the basis for economic growth. So activities are the indicators of economic growth and those countries which are developing or having higher economic growth, in those countries the primary and secondary sector is replaced by tertiary sector or the service sector. Examples of quaternary services are tax consultants, software developers, teachers, doctors, officials, accountants, etc. तो ये सभी जो हैं, ये जितनी भी services हैं ये सब quaternary services की examples हैं. जैसे कि tax consultant हो गया, software developers, teachers, doctors, high officials, accountants, etc. Question number 3, write a note on the trading centers of the world. Answer: trade is basically buying and selling of items produced elsewhere. तो सबसे पहले तो ट्रेड होता क्या है? तो ट्रेड है बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि आइटम्स का क्रय और विक्रय, ठीक है, जिनको कि कहीं और प्रोड्यूस किया गया है. All the services in retail and wholesale trading or commerce are specifically intended for profit. और जितनी भी trading, चाहे वो retail trading है या wholesale trading या commerce, ये सभी जो services हैं ये सभी किस लिए होती हैं? ये होती हैं profit के लिए, यानी लाभ के लिए. The towns and cities where all these works takes place are known as trading centers. और जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिन टाउन्स में या जिन सिटीज़ में, तो उन्हें ही क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग सेंटर्स कहा जाता है. ट्रेडिंग सेंटर्स में भी रूरल और अर्बन. और ट्रेडिंग सेंटर्स रूरल भी हो सकते हैं यानी ग्रामीण भी हो सकते हैं, और अर्बन यानी नगरीय भी हो सकते हैं. रूरल मार्केटिंग सेंटर केटर टू नियर बाय सेटलमेंट्स
Hence, personal and professional services are not well developed. यानी कि जो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं वो सिर्फ जो नियर बाय जो उनका के सेटलमेंट्स है उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको केटर करता है, यानी छोटी मोटी जो उनकी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं वो डेवलप नहीं होती हैं. मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज एंड ऑल्सो रिटेलिंग एरियाज. पीरियोडिक मार्केट्स इन रूरल एरियाज आर found where there are no regular markets and local periodic markets are organized at different temporal intervals. These may be weekly, bi-weekly markets from where people from the surrounding areas meet their temporarily accumulated demand. और मतलब वहाँ पे क्या किया जाता है जनरली कि जो मंडीज़ होती हैं वो लगती हैं, या फिर वीकली बाई वीकली मार्केट्स होती हैं जो कि सराउंडिंग एरियाज़ की जो भी डिमांड्स होती हैं उनको पूरा करती हैं. अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स हैव मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज. और जो अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी होती हैं. दे प्रोवाइड ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज मैनी ऑफ द स्पेशलाइज गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाई द पीपल. यानी कि जो अर्बन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे ऑर्डिनरी गुड्स और सर्विसेज तो होती ही हैं, लेकिन वहाँ पे स्पेशलाइज गुड्स और सर्विसेज भी इजीली अवेलेबल होती हैं. सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल्स सच एज टीचर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस आर अवेलेबल. तो जो एडवांस सर्विसेज वो किस तरह की होती हैं, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रोफेशनल्स वहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं अर्बन सेंटर्स में सच एज टीचर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस, ये सभी जो हैं ये अर्बन सेंटर्स में या अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में इजीली अवेलेबल होते हैं, जबकि ये जो रूरल मार्केटिंग सेंटर है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इस क्वेश्चन का अर्थ है कि मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है उसका क्या कंट्रीब्यूशन या क्या महत्व होता है. आंसर, मैन पावर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर. तो जो मैन पावर है यानी कि जो मानव शक्ति है वो सर्विस सेक्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्कड इन द प्राइमरी सेक्टर. और जब एक इकोनॉमी जो है वो अपने इनिशियल स्टेज पे होती है यानी शुरुआती दौर में होती है तो उस समय जो है वो मेजॉरिटी जो होती है पॉपुलेशन की वो किस तरफ होती है, प्राइमरी सेक्टर की तरफ होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज होते हैं. इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन टर्शरी एक्टिविटीज़. और जैसे जैसे इकोनॉमी जो है वो डेवलप होती है यानी देश का जो कि अर्थव्यवस्था जो है वो विकास करती है तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स होते हैं वो किस में शिफ्ट होते हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ में या सर्विस सेक्टर में. सर्विसेज अकर एट मैनी डिफरेंट लेवल्स. और सर्विसेज जो होती हैं वो अलग अलग लेवल्स की होती हैं. लो ऑर्डर सर्विसेज सच एज ग्रॉसरी शॉप्स, लाउंड्रीज आर मोर कॉमन देन हाई ऑर्डर सर्विसेज और मोर स्पेशलाइज्ड वंस लाइक दोज ऑफ कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस एंड अकाउंटेंट्स. तो जो लो ऑर्डर सर्विसेज होती हैं जैसे कि शॉप्स, ग्रॉसरी और लाउंड्री, ये सब सर्विसेज ज़्यादा कॉमन होती हैं एज़ कम्पेयर टू द स्पेशलाइज्ड वंस. जैसे कि क्योंकि स्पेशलाइज्ड जो सर्विसेज होती हैं वो मतलब जैसे कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस, अकाउंटेंट्स, ये जो हैं ये इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं. सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हु कैन अफोर्ड टू पे फॉर देम. और कंज्यूमर जो कि सर्विस को पे कर सकता है, इतना अफोर्ड कर सकता है कि वो सर्विस की पेमेंट कर सके तो वो सर्विस को अवेल करता है यानी वो सर्विस का फ़ायदा ले सकता है.
Services are once generated can easily availed by many. और services जो हैं वो कई लोगों के द्वारा जो है अवेल की जाती हैं and provide high monetary value in terms of wages, service charges, etc. और services की क्या होती है, monetary value बहुत हाई होती है, जिसको कि हम कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेजेस या फिर सर्विस चार्जेस. एज अ कंट्री डेवलप्स मोर एंड मोर पीपल शिफ्ट टू टर्शरी एक्टिविटीज़ एंड देयर शेयर इन द जीडीपी इज़ इवन फास्टर. तो जब भी कोई देश जो है वो विकास करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो टर्शरी एक्टिविटीज़ की तरफ शिफ्ट होते हैं, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी या सेकेंडरी एक्टिविटी छोड़ के वो किस में एंगेज हो जाएंगे, टर्शरी एक्टिविटी में या सर्विस सेक्टर में. एंड देयर शेयर इन जीडीपी इज़ इवन फास्टर, और जीडीपी में भी काफ़ी इससे कंट्रीब्यूशन होता है. सर्विस सेक्टर्स कंट्रीब्यूट इन फॉरेन एक्सचेंज एंड इनकम ऑफ द कंट्री. और जो सर्विस सेक्टर है वो फॉरेन एक्सचेंज और इनकम दोनों, किसी भी देश की जो इनकम है या फॉरेन एक्सचेंज है उसमें भी काफ़ी अधिक कंट्रीब्यूट करता है. सो सर्विस सेक्टर इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन द मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इस तरह से जो मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें जो सर्विस सेक्टर है वो एक उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है. क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन क्विनरी एक्टिविटीज़. आंसर, दोज एक्टिविटीज़ दैट फोकस ऑन द क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज़, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड द यूज़ एंड इवेल्यूएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, सच सर्विसेज आर कॉल्ड क्विनरी सर्विसेज. तो क्विनरी सर्विसेज यानी जिन्हें कि पंचम क्रियाकलाप भी कहते हैं, ये फोकस करता है क्रिएशन में, रीअरेंजमेंट और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ और इवेल्यूएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़. तो ये सभी जो काम हैं ये क्विनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं. ऑफन रेफर टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स, दिस सेक्टर रिप्रेजेंट्स स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल्स ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट्स, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स एसेट्रा. तो इनको गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स भी कहा जाता है. और इस सेक्टर में यानी कि क्वीनरी सेक्टर जो होते हैं इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, पहले तो ये हाईली पेड स्किल्स जो होती हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, जैसे सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, लीगल कंसल्टेंट्स, ये सभी जो सर्विसेज हैं ये क्विनरी एक्टिविटीज़ या क्विनरी सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ आउटसोर्सिंग, व्हाई डू सम कंट्रीज आउटसोर्स देयर वर्क, व्हाट इज़ इट्स आउटकम. आंसर, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज़ गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट. तो आउटसोर्सिंग बेसिकली होता क्या है, किसी भी आउटर एजेंसी को अपना काम देना. और ये किया क्यों जाता है, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट. तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है और जो कॉस्ट है काम की वो रिड्यूस होती है. सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आउटसोर्स देयर वर्क बिकॉज ऑफ हाई वेजेस इन देयर ओन कंट्री compared to the developing countries which offer similar services at a much cheaper rate. तो जो developed nations होते हैं, developed countries, वो अपना काम जो है वो outsource करते हैं. क्यों? क्योंकि उनके देश में उसका जो मतलब वेज है या उसके जो हाई वेजेज हैं, इसीलिए वो अपना काम जो है आउटसोर्स करते हैं. और किसको देते हैं, डेवलपिंग नेशंस को देते हैं, जहाँ पे कि वो सर्विसेज जो हैं बहुत ही चीपर रेट पे, बहुत ही कम रेट पे उनको मिल जाती है. सो फॉर ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्स
and to maximize profit, these companies outsource their work to overseas location. तो अब यहाँ पे इसका use है कि जो outsourcing है वो किया क्यों जाता है. Number one, to optimal use of resource, ताकि resource का proper use हो सके. और second one is maximize profit, और जो भी एजेंसी या जो कंपनी काम आउटसोर्स कर रही है उसको मैक्सिमम फ़ायदा या मैक्सिमम लाभ जो है वो पहुंच सके. एग्जांपल, डेटा प्रोसेसिंग इज़ एन आईटी रिलेटेड सर्विस विच कैन बी इजीली कैरिड आउट इन एशियन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ वेयर आईटी स्किल स्टाफ विद गुड इंग्लिश लैंग्वेज आर अवेलेबल एट मच लोअर वेजेस. तो जैसे जो आईटी की जो सर्विसेज हैं, डेटा प्रोसेसिंग की जो सर्विसेज हैं, वो कहाँ पे आउटसोर्स की जाती हैं, एशियन कंट्रीज़ में या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पे कि आईटी स्किल स्टाफ बहुत ही लोअर वेजेस पे अवेलेबल होता है. ऑल्सो ओवरहेड कॉस्ट आर मच लोअर, मेकिंग इट ऑल द मोर प्रॉफिटेबल. और इसमें जो ओवरहेड कॉस्ट यानी जो टोटल कॉस्ट होता है काम का, वो इतना कम होता है कि जिससे जो कि इसको काफ़ी प्रॉफिटेबल बना देता है. तो इसलिए आउटसोर्सिंग जो है बेसिकली ये पहले तो किया क्यों जाता है, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट. और इसका फ़ायदा क्या है, इसका आउटकम क्या है, इसका आउटकम है कि इसमें ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्स होता है और मैक्सिमाइज प्रॉफिट होता है. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मेंट बाय डिजिटल डिवाइड. आंसर, अपॉर्चुनिटीज इमर्जिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड. तो जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इस तरह का जो विकास है वो पूरे विश्व में मतलब अनइवन है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है. देर आर वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस अमंग कंट्रीज़, क्योंकि देशों के मध्य क्या है मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक डिफरेंस है, पॉलिटिकल डिफरेंस है, सोशल डिफरेंस है. हाउ क्विकली कंट्रीज़ कैन प्रोवाइड आईसीटी एक्सेस एंड बेनिफिट्स टू इट्स सिटीजन्स इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर. और इसमें मेन डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है कि जो ये आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो कोई भी देश अपने सिटीजन्स को कितने जल्दी ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, तो ये जो है ये मेन डिसाइडिंग फैक्टर है. While developed countries in general have surged forward and the developing countries have lagged behind and this is known as the digital divide. तो इसमें क्या है कि जो developed countries हैं वो काफ़ी आगे निकल गए हैं आईसीटी एरिया में, और जो developing countries हैं वो काफ़ी अभी पीछे रह गए हैं. तो this is called the digital divide, इसी को digital divide कहा जाता है. Similarly, digital divide exists within countries. Within country भी ये मतलब exist करता है. For example, in large country like India or Russia, it is inevitable that certain area like metropolitan centers possess better connectivity and access to the digital world versus peripheral rural areas. तो जो बहुत एरिया वाइज बड़े देश हैं जैसे इंडिया और रशिया, तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि देश के अंदर ही डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता हो, यानी कि जैसे जो इन देशों के जो मेट्रो एरियाज़ या मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़, जो कि ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है. तो दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल डिवाइड.